नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों के योगदान पर। तो एक ओर जो राजनीति में आंदोलन चल रहा था राजनेताओं के द्वारा, वहीं साहित्यकारों ने भी अपनी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटकों, लेखों आदि के माध्यम से जन जागृति लाने का पूरा प्रयास किया। साहित्यकारों द्वारा जनता का आह्वान किया गया। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन साहित्यकार हुए और उन्होंने ये अनुभव किया कि हम बात भाषणबाजी ही करते रह जाएंगे तो अंग्रेज हमारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। तो वे कहते हैं, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम खाली देत लेक्चर, कि हम तो बस लेक्चर ही देते रह जाएंगे, भाषणबाजी करते रह जाएंगे और वे हमारा सब कुछ लूट ले जाएंगे। और इसलिए वे जनता का आह्वान करते हैं। क्या कहते हैं? सब तज गहो स्वतंत्रता, नहीं लित लाते खाओ, कि सब कुछ छोड़ करके, अपने निजी स्वार्थों का परित्याग करके, जातिगत धर्मगत भेदभावों का परित्याग करके, स्वतंत्रता को अपना राष्ट्रीय मूल्य बनाओ, इसको आगे बढ़ाओ। अपनी राष्ट्रीय चेतना से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है। अगर इसको नहीं ग्रहण करोगे तो सिर्फ विदेशी सत्ताओं की लात ही खाते रह जाओगे। तो चाहो जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कि अपना कल्याण चाहते हो, तुम सब तो भारत की संतान हो, भारत भूमि में, इस मातृभूमि में सबने जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी वंश का है, सब भारत की संतान है। तो इसलिए हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये एक नारा दिया कि सब मिलकर के एक जबान से ये नारा लेते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ो। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद, वे भी जनता को आह्वान करते हैं। उनका नाटक चंद्रगुप्त था, उसमें अलका एक पात्र है, वो स्वतंत्रता के लिए साक्षात पुकारती है, जनता का आह्वान करती है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरह से जन जीवन को, जनता को आह्वान करते हैं। प्रसाद कहते हैं कि तुम तो अमर्त्य पुत्र हो, अमृत के पुत्र हो, तो ऐसे अमृत पुत्र कायर कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हारा पथ जो है वो प्रशस्त है, पुण्यकारी पथ है, और इस पथ पर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आगे बढ़ो, और इस तरह से तुम मातृभूमि के सपूत हो, रुको न शूर साहसी, तुम तो शूरवीर हो, साहसी हो, तो रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने एक और वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट किया, किसान, जयद्रथ वध आदि रचनाएं करते हैं, वहीं द्वापर में वे क्रांति का आह्वान भी करते हैं, जनता को जागृत करने के लिए कहते हैं, एक एक सौ सौ अन्यायी कंसों को ललकारो, अपनी पुण्य भूमि के ऊपर धन जीवन सब वारो। तो इस तरह से राजनीति या सेना जो है वो अपनी जगह युद्ध करती है, परंतु जब जन जागृति हो जाती है, जब जन जीवन जागृत हो जाता है, तो उस देश की स्वतंत्रता का हनन कोई नहीं कर सकता। विदेशी शासक कितना भी सबल हो, कितना भी प्रबल हो, उसे जाना ही पड़ता है। और इस जन जीवन को जागृत करने का, सजग सचेत करने का कार्य इन साहित्यकारों द्वारा किया गया। भारतेंदु युग से लेकर के हम देखते हैं स्वतंत्रता तक, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दिनकर आदि कवि,
मैथिली शरण गुप्त स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रोत्तर युग तक एक लंबा इनका समय रहा साहित्य रचना की। आज़ादी के बाद भी वे जन जनता का आह्वान करते रहे। जहाँ भी उन्होंने जनता का शोषण देखा, भ्रष्टाचार आदि देखा, उसके विरुद्ध लेखन कार्य किया। तो इसलिए वे अपनी पुण्य भूमि के ऊपर धन जीवन सब कुछ न्योछावर करने के लिए आह्वान करते हैं जनता का। और इन साहित्यकारों ने जातीय स्वाभिमान और सुधार परिष्कार पर विशेष रूप से बल दिया। सभी साहित्यकारों की लोक मंगलकारी दृष्टि रही। मुख्यतः लोक मंगल, जनता का कैसे मंगल हो, इसलिए रचना कविता साहित्य भी राज दरबारों से उठ करके जन जीवन से जुड़ता है, जनवादी साहित्य बनता है, जनता की भाषा में बात की जाती है। और जब जन से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, तो जो सामाजिक समस्याएं थी उनके विरुद्ध भी आवाज उठाते हैं। उन सामाजिक समस्याओं की ओर भी ये साहित्यकार लेखनी अपनी सजग करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का विरोध करते हैं, नारी शिक्षा पर बल देते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना करते हैं। और इस तरह से समाज में जो जो कुरीतियां, जो जो जड़ परंपराएं थी, जो समाज की प्रगति में हानिकारक थी, समाज की प्रगति में एक बहुत बड़े अवरोधक के रूप में थी, उन सब का विरोध करते हैं। भारतेंदु देखते हैं कि धर्म के नाम पर अनेक संप्रदायों की बाढ़ आई हुई है, छुआछूत इतना बढ़ गया है जिससे समाज में विद्वेष फैल रहा है। तो वे कहते हैं हमने बहुत फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, तो इस तरह से हम ही उसके लिए दोषी हैं। माना विदेशी शासक सत्ता है, वो हम पर अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं हम स्वयं भी दोषी हैं, हमारा समाज भी दोषी है। हमने जो छुआछूत के फैला रखा है, हमने स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रखा है, बाल विवाह कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का, उनका बचपन समाप्त हो रहा है, तो उसका विरोध करते हैं। बाल विधवाएं हो रही हैं, जन्म से विधवा हो जाती थी तो, और वे पूरा जीवन अभिशक्त जीवन जीने के लिए विवश थी, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन एक और समाज सेवी संस्थाएं कर रही थी, वहीं इस युग के साहित्यकारों ने उपन्यासों की रचना करके, मुंशी प्रेमचंद निर्माला उपन्यास की रचना करते हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं नरसे भारी नारी कह करके मैथिली शरण गुप्त स्त्री की शिक्षा पर बल देते हैं, स्त्री स्वातंत्र को बल देते हैं, स्त्री के सम्मान की बात करते हैं। तो समाज जिन कुरीतियों का शिकार हो रहा था उनके विरुद्ध भी इन साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई। और आर्थिक पराभव, आर्थिक शोषण जिस तरह से हो रहा था, बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ रही थी, उसके विरुद्ध भी इन साहित्यकारों ने लिखा है। आर्थिक पराभव का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं, हम करे नौकरी बहुत तलब कम पाते थे, किस तरह से अब तक पेट जिलाते, इस महंगी से नित एकादशी मनाते, लड़के वाले सब घर में है चिल्लाते। भारतेंदु कहते हैं, सबके ऊपर लगा टिक्कस कि उड़ा होश मेरा। तो इस तरह से एक और सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, दूसरी ओर आर्थिक पराभव है, निर्धनता इतनी अधिक हो गई है, किसानों की स्थिति कैसी हो गई है, समकालीन जो समाज है उसकी पीड़ा को ये साहित्यकार अपनी वाणी देते हैं। जैसे समकालीन समाज की पीड़ा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, तब ही लखियो जहां रहियो एक दिन कंचन बरसत, कि एक ऐसा भारत जहां एक समय सोना बरसा करता था, आज कैसी स्थिति हो गई है, तहां चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत, कि अब एक चौथाई व्यक्ति ऐसे हो गए हैं
जो रूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, जहाँ आमन की गुठली अरु बिरछन की छाले, ज्वार चून में मेली लोग परिवार ही पाले, नोन तेल लकरी घासों पर टिक्कस लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जह दिन दीन प्रजा का। कि जो बुनियादी वस्तुएं हैं, नमक तेल लकड़ी घास, इन पर भी सरकार द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है। तो नोन तेल लकड़ी घासों पर टिक्कस लगे जहां, चना चिरौंजी मोल मिले, तो ऐसी समाज की स्थिति, ऐसी समाज की पीड़ा, वे समाज कहां जा रहा है? किसानों की अवस्था कैसी दयनीय हो गई है? वे समय था जब किसानों को एक और तो दुर्भिक्ष आ गया, अकाल पड़ गया, जो खेती थी सब समाप्त हो गई, खाने को कुछ नहीं, और उसके ऊपर सरकार द्वारा बजाय कुछ सुविधा देने की, कुछ सहायता देने की, और लगान लगा दिया गया, और किसान इतने निर्धन हो गए, और प्रलोभन में आकर के उनको फिजी ले जाते हैं, और वहाँ उनकी स्थिति और भयंकर हो जाती है, जिसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त अपनी रचना किसान में करते हैं। किसान की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हुए भी कहते हैं, जिनके कारण सब सुख पावे, जिनका बोया सब जन खाए, हाय हाय उनके बालक नित भूखों के मारे चिल्लाए, आहा बिचारे दुख के मारे निस दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। कि एक और तो उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, और वे उस अनाज की सपना देख रहे हैं कि अब अनाज उत्पन्न होगा तो हमारे घर में कुछ गरीबी दूर होगी, और जैसे ही अनाज आता है लगान में सारा उठा कर ले जाया जाता है। तो किसानों की ऐसी दयनीय अवस्था थी, और उसका चित्रण ये करते हैं। तो इस तरह से एक और इन साहित्यकारों ने अतीत के भारत के गौरव का, स्वर्णिम गौरव का गुणगान किया, जिससे जनता को, जनता में चेतना आए, और वे वर्तमान स्थिति से बाहर निकले के लिए उनको प्रेरणा प्राप्त हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये साहित्यकार केवल साहित्य रचना ही नहीं करते रहे, अभी तो इनों में से कई ऐसे साहित्यकार हुए जो इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जेल में गए, अनेक बार जेल गए। माखनलाल चतुर्वेदी हम देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी का जब असहयोग आंदोलन चला 1920 में, माखनलाल चतुर्वेदी उनके साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान कई बार जेल गई, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि। तो ये साहित्यकार स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका इनकी रही, अपने जेल में रहते हुए भी इन्होंने कविताओं की रचना की। कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहते हुए करते हैं, जलियावाला बाग में बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान करती है, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान कविता कर रखती है। तो जेल में रहते हुए भी कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा वे समाज को निरंतर प्रबोधित करते रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता भी तो बहुत ही अधिक प्रचलित रही, और उस कविता को आज भी जब भी सुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक उमंग, एक जोश, एक उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। कैसी ओज गुण से संपन्न वो कविता है कि रानी झांसी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला करती है। कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत, कीमत आजादी, कीमत सबने पहचानी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो
झांसी वाली रानी थी। इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर जो कविता लिखती हैं, माखनलाल चतुर्वेदी बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता रही पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वही वो क्या कहते हैं पुष्प की क्या अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश झुका चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस तरह से इन कवियों ने विशेष रूप से माखनलाल चतुर्वेदी सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के साहित्यकारों ने बलि के मार्ग को अपनाया, प्राणपण समर्पित करने की बात कही और इसीलिए वो बार बार जेल जाते हैं कि जब तक हम तन मन धन सर्वस्व समर्पित नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। तो चाहे वह हम पंत को देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन को देखते हैं, निराला को देखते हैं, दिनकर आदि कवि को देखते हैं, ये सब एक और गांधी जी की नीतियों से भी प्रभावित हैं और दूसरी ओर कहीं तिलक की बात से सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से अधिक प्रभावित होते हैं और क्रांति का स्वर प्रकट करते हैं और साथ ही समाज को उद्बोधित कर रहे हैं। बंगाल विभाजन जब हुआ अंग्रेजों के द्वारा और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की जो कूटनीति अपनाई उसका विरोध करते हुए इन साहित्यकारों ने सांप्रदायिक सद्भाव धारण करने के लिए जनता का आह्वान किया। वे कहते हैं जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई, पुण्य भूमि है स्वर्ग भूमि है जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में जगह नहीं। तो जब तक हम सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसे रहेंगे, अपने आप को जैन बौद्ध पारसी मुसलमान सिख ईसाइयों के चंगुल में फंसे रहेंगे तब तक इसी तरह से विदेशी आक्रमण होते रहेंगे, वे हम में फूट डालते रहेंगे। तो इसलिए इन भेदभावों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ो और इसी बात को ये साहित्यकार समझे और प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक में स्पष्ट यही बात कहते हैं और उनका बड़ा वहाँ पर एक बहुत सुंदर संवाद है। वहाँ वे कहते हैं तुम मालव हो और ये मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा, मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पद दलित होंगे और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। कि जब तक हम अपने आप को क्षेत्रीय सीमाओं में बांटे रहेंगे, आज भी यही हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहार का हूँ, तो हम अपने आप को क्षेत्रीय सीमाओं में बांधे हुए हैं। और जब तक हम एक राष्ट्र की संतान के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, अखंड राष्ट्र के रूप में अपने आप को एक भारतीय होने का गर्व अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम इस तरह से विदेशी विजेताओं से पद दलित होते रहेंगे। और ये बात उन साहित्यकारों ने तब समझी, दूरदृष्टा थे कि तुम कोई कहता है मैं मालव हूँ, कोई कहता है मैं मागध हूँ, तो इस तरह से आपस में लड़ते रह जाओगे और इसका फायदा इसका लाभ विदेशी शासन सत्ताएं उठाती रहेंगी। तो इसलिए ये कहो कि हम आर्यावर्त हैं, हम भारत के संतान हैं, हम अमृत पुत्र हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीयता की भावना के त्याग करके और स्वत्व का भाव जागृत करने के लिए ये कवि प्रेरित करते हैं कि अपने भीतर स्वत्व का भाव, स्व का, अपनी अस्मिता की पहचान होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, एक वो समय था, एक और महात्मा गांधी अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे
और दूसरी ओर गरम दल वाले क्रांति के मार्ग को अपना रहे थे। दिनकर यद्यपि महात्मा गांधी की नीतियों से सहमत थे, गांधीवादी थे, परंतु कई ऐसी बातें थी जिनके विरोध में दिनकर रहते हैं, वे उनके प्रति असहमति भी प्रकट करते हैं। निराला भी ऐसे ही थे, गांधी जी की कई नीतियों से उनका विरोध रहा है कि वे अहिंसा कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं, जहाँ शत्रु सामने है वहाँ अगर आप अहिंसा की बात करेंगे तो वे चलेगा नहीं। तो दिनकर कुरुक्षेत्र अपने काव्य में स्पष्ट कहते हैं, छीनता तो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है कि तुम केवल त्याग की तप की बात करते रहो और कोई तुम्हारा स्वत्व छीन कर ले जाए, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, कि जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे स्वत्व के तुम्हारी अस्मिता पर हाथ उठा रहा है उसे विच्छिन्न कर देना ही पुण्य है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही, युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं। तो अपने स्वत्व अपनी अस्मिता को बनाए रखना, स्वचेतना को जागृत करना, यह हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है। तो इसलिए स्वत्व के लिए अगर आप रणभूमि में आगे बढ़ते हैं तो ये पातक नहीं है, ये दोष नहीं है, ये पुण्य है। तो इस तरह से जन जागृति लाने के लिए उस काल के साहित्यकारों ने अनेक प्रकार के गीतों की भी रचना की। मुंशी प्रेमचंद जहां गद्य लेखन में कहानियों उपन्यासों के माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे, तत्कालीन समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और उनका समाधान आदर्शोन्मुख यथार्थ की बात करते हैं, वहीं इस काल के अनेक कवियों ने झंडा गीत लिखे, तिरंगा गीत लिखे, प्रबोधन गीत, जागरण गीतों की रचना की, लोक गीतों की रचना की जन जागृति लाने के लिए। रामलाल पार्षद जो हुए, जिन्होंने बड़ा ही प्रसिद्ध, आज भी बहुत गाया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत लिखा और ये गीत उस समय आज़ाद हिंद फौज का नारा बना और सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें निरंतर ये गाया जाता था। और कांग्रेस पार्षद में हर जो भी उनका भाषण समारोह होता था, जो भी कार्यक्रम होता था, उसमें ये गीत गाया जाता था। सियाराम शरण गुप्त का ने तिरंगा गीत लिखा, एक हमारा ऊंचा झंडा एक हमारा देश। ऐसे ही राम नरेश त्रिपाठी हमारे हिंदी जगत के पहले राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने जय हिंद नारा दिया और ये जय हिंद नारा फिर सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। और ऐसे ही पंत ने चरखा गीत लिखा, उनकी रचना है स्वतंत्रता पुकारती, जिसमें उन्होंने चरखा गीत लिखा, भ्रम 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 घूम घूम भ्रम भ्रम रे चरखा, कहता मैं जन का परम सखा, जीवन का सीधा सा नुस्खा, श्रम 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 धुन रुई निर्धनता दो धुन, कांत सूत जीवन पट को लोबुन, अकर्मण्य सिर मत धुन मत धुन थम थम थम। तो इस तरह से खादी के गीत लिखे गए, निराला जागो फिर एक बार जागरण गीत लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना प्रभात फेरी में गाई जाती थी। और वे समय जब अंग्रेजी शासन सत्ता द्वारा निरंतर प्रतिबंध लगाए जाते थे, कोई उनको रचना लगती थी, कोई ऐसा लेख लगता था जिसकी ये इससे समाज में जागृति हो सकती थी, उस पर बैन लगा दिया जाता था। मुंशी प्रेमचंद के सोजे वतन पर बैन लगा दिया गया था, अनेक फर्जी नामों से वो रचना करते हैं। इसी तरह से निराला ने भी जागरण गीत लिखे, प्रबोध गीत लिखे, उद्बोधन गीत लिखे, प्रयाण गीतों की रचना हुई, खादी के गीत लिखे गए। तो इस तरह से इन हिंदी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। और आज हम जिस आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज हम जो एक स्वतंत्रता का एक स्वतंत्र दायित्व का बोध कर रहे हैं,
और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें इन साहित्यकारों का, इन अमर शहीदों का योगदान रहा। तो इन सब के प्रति हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आज के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।